वहीं सुजानगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेताओं का चुनाव प्रचार अब शबाब पर है। कांग्रेस ने मंत्री सहित पूरी फौज को प्रचार में उतार दिया तो वहीं बीजेपी ने भी अब धीरे धीरे नेताओं के दौरे बढ़ा दिए हैं। राजेंद्र राठौर रंग में दिखे तो बीजेपी के अर्जुन भी अब मैदान में नजर आएंगे। सुजानगढ़ की आज की सियासी सुर्खियों को लेकर लक्ष्मण राघव की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सुजानगढ़ की पॉलिटिक्स में अब घोड़ी बैंड बाजा भी एंटर कर गए हैं। नेताओं और मंत्रियों का स्वागत बैंड बाजे से हो रहा है, घोड़ी पर बैठा कर उन्हें गांव में घुमाया जा रहा है। कांग्रेस के मंत्री भंवर सिंह भाटी का कुछ इसी अंदाज में गांव में स्वागत हुआ। विधायक और पीसीसी उपाध्यक्ष गोविंद मेघवाल भी गाँव में जनसंपर्क कर रहे हैं। मेघवाल भाजपा पर जमकर बरस रहे हैं तो भंवर सिंह भाटी सीएम अशोक गहलोत के काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस के जिला प्रभारी नसीम अख्तर इंसाफ भी सुजानगढ़ में ही कैंप किए हुए हैं। दरअसल यहां अकलियत के वोट बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में अख्तर इंसाफ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस का परंपरागत वोट हिले नहीं और अधिकाधिक मतदान हो। देखिए, सुजानगढ़ का जो उपचुनाव है, ये उपचुनाव सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए, यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मास्टर भंवरलाल जी की ये कर्म भूमि है, उनकी जन्म भूमि है और उनके जो सपने थे वो जैसा सुजानगढ़ चाहते थे उस दिशा में उन्होंने बहुत काम किया और लोगों की ये भावना है कि मास्टर जी को 2023 तक के लिए हमने विधायक बनाया था, वो आज हमारे बीच में नहीं है, तो मास्टर भंवरलाल जी के बेटे मनोज को कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशी बनाया है, ये यहाँ के आम जन की एक आवाज थी। भारी जोश है और मनोज जो है ये रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतेगा, कोई बड़ी बात नहीं है कि 40,000 से ऊपर जीत होगी, क्योंकि भारी गुस्सा है किसानों का और जो दिल्ली में किसान बैठे हैं, जिस तरह से किसान नेताओं पे अटैक हो रहे हैं, इससे ग्रामीण क्षेत्र में किसानों में इतना भारी गुस्सा है कि इतना गुस्सा पहले देखने में नहीं आया। दूसरी बात यह है कि भंवरलाल जी का यहाँ बहुत बड़ी मजबूती है, उन्होंने 1980 से राजनीति शुरू की, विधायक बन गए थे, उनके प्रति भयंकर लगाव, उस परिवार के प्रति लगाव, क्योंकि दो बनारसी जी और भंवरलाल जी की डेथ के बाद लोगों में एक सहानुभूति की भी लहर चल रही है। इधर बंगाल चुनाव से लौटे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी अब सक्रिय नजर आ रहे हैं। भाषण में आत्मविश्वास के साथ बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि सट्टा बाजार भाजपा के साथ नहीं है तो राठौड़ ने कहा कि पूर्व में भी सट्टा बाजार गलत होता रहा है, जनता कांग्रेस के शासन को देख समझ चुकी है। सटोरियों की बात हमेशा चुरू जिले में गलत सिद्ध हुई है। मैं खुद आपके सामने चुनाव में आज विधायक के रूप में खड़ा हूं। मेरे भी इसी प्रकार 10 पैसे 12 पैसे में कांग्रेस के भाव चला रखे थे। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसका प्रमाण ये चारों तरफ खड़े सभी कौम और बरादरी के भाई लोग हैं। गाँव में सभा करने हैं, आप देख रहे हैं जिस पर उमड़ घुमड़ करके लोग आ रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस अपने कुकर्म से मरेगी और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भरपूर जन समर्थन मिल रहा है, हर गांव त्रस्त है बिजली और पानी की समस्या के लेकर, विकास से महरूम है और इसी के लिए वोट की चोट से इस सरकार को नस्तनाबूत करना आम आवाम चाहता है। गुरुवार से भाजपा के अर्जुन मेघवाल सुजानगढ़ में मोर्चा संभाल लेंगे तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता पहले से ही मैदान में डटे हैं। हालांकि भाजपा में अभी कुछ बड़ी सफाई होनी बाकी है। प्रभारी अरुण सिंह जरूर यहाँ सभा कर भाजपा के लिए वोट मांग चुके हैं। सुजानगढ़ में अब दोनों ही दलों का प्रचार परवान पर है। पॉलिटिक्स में अब घोड़ी बैंड बाजे की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस के नेताओं का इसी अंदाज में स्वागत हो रहा है तो भाजपा के नेताओं की सभाओं में भी भीड़ आ रही है। लेकिन ये तय जनता ही करेगी कि जो बैंड बाजा बारात आ रहा है वहाँ पर किस पार्टी का बाजा बजता है और किस पार्टी के सर जीत का सहरा सजता है। कल से भाजपा के अर्जुन भी सुजानगढ़ के रण में उतर जाएंगे। इधर कांग्रेस के मंत्री और विधायक पहले से ही सुजानगढ़ के रण में सक्रिय हैं। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सुजानगढ़, चूरू।